गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। चुनावी मैदान में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए तीनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल दिल्ली मॉडल लेकर गुजरात पहुंचे हैं तो कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुटी है। वहीं राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर एक बार फिर सत्ता में वापसी चाहती है। साल 2014 के बाद से बीजेपी ने लगभग हर चुनाव पीएम मोदी को ही आगे करके लड़ा है। जिस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए वहां पर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को भी चेहरा बताती रही है। साल 2018 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और साल 2022 में यूपी में योगी आदित्यनाथ भी चेहरा थे। वहीं इन चुनाव में बीजेपी का सबसे मुख्य हथियार हिंदुत्व हमेशा से ही रहा है। गुजरात के चुनाव में हिंदुत्व के साथ साथ पटेल समीकरण भी हमेशा से ही मुख्य भूमिका निभाते रहे हैं। साल 2017 के चुनाव में पटेल आरक्षण आंदोलन की वजह से बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था। पार्टी 99 सीटों पर अटक गई थी। हालांकि सरकार बीजेपी की ही बनी थी और बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़ गई, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी ने इस बार अपना पूरा फोकस प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर किया है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना के बावजूद भी राज्य में विकास कामों को रुकने नहीं दिया गया है। बीजेपी की चुनावी रणनीति में इस बार मुख्यमंत्री का कोई खास जिक्र नहीं है और साथ ही हिंदुत्व का तड़का भी गायब है। गुजरात गौरव यात्रा के केंद्र बिंदु पीएम मोदी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाड़ी, आनंदीबेन पटेल और सीएम भूपेन्द्र पटेल का जिक्र कम ही है। सीएम भूपेन्द्र पटेल इस यात्रा में कहीं कहीं हिस्सा लेते हैं। बीजेपी की रणनीति से लग रहा है कि पार्टी ने गुजरात में हिंदुत्व की जगह अब मोदीत्व को मुख्य हथियार बनाया है। बीजेपी के तर्कश में मोदीत्व ही नया तीर है, जिसमें नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए कामों का जिक्र है। इस नई रणनीति में मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री सबकी भूमिका सीमित है। इसके साथ ही इस बार पाटीदार आंदोलन जैसी भी कोई बात नहीं है। गौरतलब है कि 2017 में भी मोदी ने अक्सर गुजरात की यात्रा की थी और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आधिकारिक कार्यक्रमों में भीड़ को संबोधित किया था। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तो उन्होंने सूबे में रैलियों की लगभग बौछार कर डाली थी। ये मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्य छोड़ने के बाद गुजरात का पहला विधानसभा चुनाव था। वहीं 2022 में एक बार फिर मोदी ने ही गुजरात का मोर्चा संभाला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या मोदी एक बार फिर बीजेपी की सत्ता में वापसी कराने में कामयाब होते हैं या नहीं।